Hey guys and welcome back to another video. आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कैमरा. अब वो कैमरा कौन सा होगा वो आपको वहीं जाके बताऊंगा, बट स्टिल आई टेल यू जो मैंने शॉर्टलिस्ट दो कैमरास इनिशियली करे थे वो है कैनन का EOS R एंड सोनी A7 III. दोनों बहुत एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग कैमरास हैं, बट दोनों में से मेरे को एक पिक करना था, वो मैं कर चुका हूँ और वही मैं परचेज करने जा रहा हूँ. सो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाते हैं जहाँ पे आई बी गोइंग टू बाई अ कैमरा, अनबॉक्सिंग करेंगे, आई शो यू थोड़ा बहुत रिजल्ट पॉसिबल हुआ वो भी दिखा दूंगा. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड I'll show you कौन सा कैमरा लेता हूँ फाइनली. जस्ट लुक एट द क्लाउड्स. अगर आप दिल्ली से हो सो यू विल रियलाइज कि पिछले 3-4 दिन से इतने बढ़िया क्लाउड्स हो रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू हेड आउट, कुछ शूट नहीं कर पा रहा. मे बी कल एक रिव्यू करने के लिए शायद जाएंगे. सो रतनदीप आ चुके हैं साथ में. सो अभी हम कैमरा परचेज करने जा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था. एक चीज़ मैं बता दूं कि रतनदीप आजकल काफ़ी फेमस हो गया. अभी हम फोटो वीडियो एशिया में गए थे तो वहाँ पे भी पता लगा लोग रतनदीप को भी RKP रतनदीप नहीं RKP. तो सही था. और अभी हम चल रहे हैं कैमरा लेने, वहाँ चलते हैं एंड देन हम अनबॉक्सिंग और थोड़ा बहुत प्रीव्यू दिखा देंगे. सो मेरे को एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था. जैसे अभी कैमरा परचेज करने जा रहे हैं जो हम मोस्टली वीडियोस के लिए यूज़ करेंगे, तो ये सेकंड फुल फ्रेम कैमरा है जो परचेज कर रहा हूँ. पहला जो था वो 5D Mark III था जो मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले सेल कर चुका हूँ. बिकॉज पहले मेरा फोटोग्राफी का ज़्यादा यूज़ होता था, अब हम वीडियो कंटेंट ज़्यादा बनाते हैं. सो हम एक ऐसा कैमरा देख रहे हैं जो फ़ोटो और वीडियो दोनों का अच्छा मिक्स थे, वही कैमरा लेने जा रहे हैं. एंड एक और चीज़, जो पहले मेरा 5D Mark III था उसको मैंने आई थिंक 5 साल पहले परचेज किया था. और आजकल मैंने काफ़ी देखा है लोगों को 10th, 11th, 12th में ही अपने पेरेंट्स से मांगना शुरू हो जाते हैं कैमरा 1-1.5 लाख का. सो मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, मास कम्युनिकेशन किया, देन मेरा प्लान था एक अच्छा फुल फ्रेम कैमरा लेने का. सो उस टाइम पे 5D Mark III एक अच्छा ऑप्शन था जो अराउंड 1,60,000 का था. सो उसके लिए मैंने 25,000 का डाउन पेमेंट किया अपना क्रॉप सेंसर कैमरा बेच के. देन जो बाकी अमाउंट था अराउंड 1.5 लाख वो 2 साल में EMI करके खुद से जब मैं जॉब कर रहा था साथ मैंने पे किया. सो मैं यही बेसिकली शेयर करना चाह रहा था, जब आप खुद से कैमरा लेते हो उसका एक अलग फीलिंग होता है उसको यूज़ करने का. मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. सो ट्राई कि अपने घर वालों को इतना परेशान मत करो कैमरा के लिए, खुद से अरेंज कर सकते हो तो इट्स बेटर. सो फाइनली GP Pro पहुँच गए हैं जहाँ से हम कैमरा परचेज कर रहे हैं. चलते हैं ऊपर एंड विल शो यू फाइनली कौन सा कैमरा सेलेक्ट किया है. सो फाइनली ये है कैमरा एंड लेंसेज जो हमने लिए. लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि एक नया कैमरा लेने जा रहे हैं. फाइनली आई डिसाइडेड टू गो विद EOS R. उसके क्या रीजंस हैं मे बी वो बाद में एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. साथ में एक बेसिक 51.8 लिया था बिकॉज ये जस्ट एक बैकअप के लिए लेंस होना चाहिए. एंड ये एक दो लेंसेज में कन्फ्यूज था, एक RF 35 1.8 एंड एक EF S 35 2.8. बट रतनदीप और मैंने डिस्कस करके फाइनली किया बिकॉज हम एट दी एंड हम EOS R यूज़ कर रहे हैं. RF माउंट लेंस लेना बेटर रहेगा रादर देन एक क्रॉप फ्रेम का मैक्रो लेंस लेने के लिए. सो फाइनली ये कैमरा और लेंस है जो परचेज किया है. अभी इसका एक अनबॉक्सिंग करके हैंड्स ऑन का दिखा देते हैं छोटी सी वीडियो में एंड देन डिटेल्ड रिव्यू. EOS R का हो चुका है इसका एंड 50 का पेंडिंग है. सो मे बी इन फ्यूचर विल डू अ वीडियो ऑन इट. सो सबसे पहले लेंस का अनबॉक्सिंग करते हैं. दिस इज RF 35 F 1.8. सो ये 35 मैक्रो RF माउंट का F 1.8. द क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस 0.17 meters या ऑलमोस्ट आधे फीट का मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है. सो ये मैक्रो लेंस है तो इसका 1:1 रेशियो रहेगा मैग्नीफिकेशन. बेसिक ऑटो मैनुअल फोकस का एंड स्टेबलाइजेशन भी है. सो आई कैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ IS एज वेल. सो इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं एंड 50mm 1.8 इसको भी एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं. सो ये है 50mm f 1.8 STM लेंस
जो आई थिंक हर कोई अपने एक कैमरा लेने के बाद नेक्स्ट लेंस यही अपग्रेड करता है। सो इसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है, अ बेसिक F1.8 लेंस, एक अच्छा अफोर्डेबल पोर्ट्रेट लेंस है विच यू कैन यूज़। तो इसको हम मोस्टली वीडियो के लिए यूज़ करेंगे और मे बी पोर्ट्रेट्स के लिए। सो ये दो लेंसेज हैं जो लिए हैं, 35 एंड 50 mm। उसके बाद मेन EOS R बॉडी, इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो ये है EOS R का बॉडी। उससे पहले ये अडैप्टर है जो आपके EOS R टू DSLR कैमरा में अगर आप करना चाह रहे हो, सो यू कैन यूज़ दिस अडैप्टर, जिसको यूज़ करके आप अपने DSLR के लेंसेज को यूज़ कर सकते हो। सो इसके पाउच है, इस पाउच में ये अडैप्टर आता है। सो दिस इज़ द अडैप्टर जो इस एंड पे आपके DSLR के लेंसेज लगेंगे, एंड पीछे की साइड आप ऑब्वियसली EOS R की बॉडी में इसको लगाओगे। सो दिस विल हेल्प यू टू यूज़ एनी DSLR लेंस, और आप मिररलेस में इजीली यूज़ कर सकते हो। सो फाइनली EOS R फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा, इसका भी एक बार जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, एंड लेट्स सी क्या क्या रहता है अंदर। बेसिक मैनुअल, बैटरी, जो बेसिक चीज़ें होंगी, बैटरी, चार्जर, आई थिंक ये चार्जिंग केबल है। लेट्स रिमूव दिस। कैमरा स्ट्रैप EOS R का, देन कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप है विच यू गेट इफ़ यू बाय अ कैनन कैमरा। सो एट द एंड सबसे मेन चीज़ जो है कैमरा बॉडी, फाइनली EOS R फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा। सो इसको मैं 1-1.5 महीने मैंने काफ़ी यूज़ करा है, बट दैट वॉज रिव्यू यूनिट जो मेरे पास थी। फाइनली गेटिंग दिस, परचेजिंग दिस, जो अब हम प्रॉपर वीडियोस और स्टिल्स के लिए यूज़ करेंगे। सो ये है एक क्लोज़र लुक, इसका मैं डिटेल रिव्यू वैसे कर चुका हूँ, वहाँ पे अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हो। आई थिंक 3-4 महीने पहले या उससे पहले ही हम कर चुके हैं। टिल्ट स्क्रीन एक मेन रीज़न जिसकी वजह से ये परचेज़ किया है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो रिव्यू में आपको पता लग जाएंगी। सो दिस इज़ इट, ये है एक अनबॉक्सिंग और प्रीव्यू जो EOS R और जो दो लेंसेज परचेज कर रहे थे। सो गाइज, ये था एक छोटा ब्लॉग स्टाइल वीडियो जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं जब मैं अपना फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा लेने जा रहा हूं। सो अब मैं कम्प्लीटली मिररलेस में शिफ्ट हो चुका हूं, मेरे पास कोई भी DSLR नहीं है। अब M50 और EOS R कहाँ गया, ये रहा। सो EOS R भी मिररलेस है, M50 भी मिररलेस है। सो नाउ कम्प्लीटली मैं एक मिररलेस शूटर हूँ। रीज़न कि मैंने क्यों 5D Mark III सेल करके ये कैमरा लिया EOS R, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा मिररलेस के बारे में, मैं पहले भी बना चुका हूँ बेनिफिट्स के बारे में, बट आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो कि मैंने पर्सनली EOS R में मैं क्यों स्विच हुआ एंड वाई आई वेंट फॉर दिस कैमरा पर्टिकुलरली, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो रहेगा। मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी लोग बहुत बार पूछते हो कि कौन सा कैमरा लूँ अंडर 50,000, अंडर 1 lakh, एंड मेरे लिए बहुत ईजी होता है सजेशंस देना, बट जब मैं खुद कैमरा ले रहा था या प्लान कर रहा था, ट्रस्ट मी बहुत मुश्किल होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग किस उससे निकलते हो, उस प्रोसीजर से। एनीवेज ये आ चुका है, अब जो भी वीडियो शूट होंगी, मैं काफ़ी EOS R यूज़ कर रहा था वीडियोस में, एंड दैट्स द रीज़न मैं फाइनली मैंने सोचा मैं परचेज करूं, एंड अब फुल टाइम हम इस पे ही वीडियो शूट करेंगे। सो दैट्स इट, एंड बाय द वे ये एक आपको छोटा सा टीज़र दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम प्रॉपर सेटअप बना रहे हैं, काफ़ी नए सेट्स आने वाले हैं, इस रूम में ही रहेगा। Keep watching this channel for more such amazing content. I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा do comment and hit the like button, subscribe, और हम मिलते हैं आगे इसी तरह interesting and informative videos में। तब तक take care and keep clicking.